हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुलक प्रिया स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 जून के जितने करंट अफेयर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्जाम SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, सभी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की करंट अफेयर क्वेश्चन आसानी से मिल सके। साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो को जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप के जरिए देश के लोगों से, उनके क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों से फीडबैक मांगा था? तो किस ऐप के जरिए? तो नमो ऐप के जरिए उन्होंने यह फीडबैक मांगा है। तो नमो ऐप के जरिए जो क्षेत्रीय लोग हैं वे अपने सांसदों और विधायकों के लिए फीडबैक दे सकते हैं इस ऐप के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 जून 2018 को शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के न्यू मुख्यमंत्री बने हैं जयराम ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह योजना का शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मई 2018 में 15 और जिलों में पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर OSC स्थापित करने का फैसला किया है? तो कहाँ की सरकार ने फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलन ने 2 जून 2018 को कितने साल बाद मैच खेला है? तो उन्होंने यह मैच 18 साल बाद खेला है। और उन्होंने यह मैच किसके तरफ से खेला था? यह मैच उन्होंने बाईकाटा प्रतियोगिता में यूनाइटेड माटामाटा स्पोर्ट्स बी की ओर से हिन्यूरा बी के खिलाफ यह मैच उन्होंने खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के पत्रकारों हेतु गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है? तो उड़ीसा सरकार ने यह फैसला लिया है। तो उड़ीसा सरकार के उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने पत्रकारों के लिए गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या गया है शुरुआत की है। और इसके पहले चरण में 3233 जो कार्यरत पत्रकार को सालाना 2 लाख रुपए का तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक UBS की स्टडी के मुताबिक किस शहर के एक कर्मचारी का सालाना औसत 33,314.7 घंटे का काम करता है, जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है? तो किस शहर के? तो इसका ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर, मुंबई के सर्वाधिक, मतलब 33,14.7 घंटे में यह काम करता है, तो जो कि प्रमुख 77 शहरों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय नई योजना सेवा भोज योजना का शुरुआत की है? तो किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, उन्होंने यह सेवा शुरू की है। और इसका कुल बजट की बात की जाए तो जो इसका वित्त वर्ष है 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ की लागत से उन्होंने यह सेवा भोज योजना का शुभारम्भ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, सेबी ने शराब कारोबार विजय माल्या को पूंजी बाजार में कारोबार करने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो उन्होंने कितने वर्ष का? उन्होंने 3 वर्ष का उनके ऊपर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने शून्य आधारित प्राकृतिक खेती स्केल आउट योजना शुरू की है? तो कहाँ की सरकार ने यह किया है? तो जो आंध्र प्रदेश सरकार ने, उन्होंने यह योजना शुरुआत की है। उन्होंने यह योजना को 1 जून 2018 को शून्य आधारित प्राकृतिक खेती स्केल योजना क्या है शुरुआत की है। और इस योजना की औपचारिक घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत और सिंगापुर के बीच 1 जून 2018 को रक्षा, आर्थिक और समेत कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो टोटल 8 समझौतों पर क्या हुए हैं?
हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों आज हमने ये करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी हमारे नए यूजर हैं, जितने पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी डेली की जो करंट अफेयर वीडियो है वो आपको मिल सके। साथ में बेल आइकॉन है वो उस पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जितनी भी है उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।